सदर थाना पुलिस को 21 नवंबर को थाना क्षेत्र के नीमगढ़ गांव के छोटू काठात हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी को मौरबी गुजरात से गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी चेनाराम बेड़ा के अनुसार 21 नवंबर को नीमगढ़ निवासी छोटू काठात की हत्या के बाद परिजनों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने हत्याकांड के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन हत्याकांड का मुख्य आरोपी नीमगढ़ निवासी मोहम्मद निजामुद्दीन पुत्र मोहम्मद शेखावत जाति महराज प्रकरण के बाद से ही फरार चल रहा था। निर्वंश हत्या की घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुनाराम जाट ने वारदात में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वैभव शर्मा के सुपरविजन में वृत्ताधिकारी वृत्त मसूदा ईश्वर सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी ब्यावर सदर चेनाराम बेड़ा पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में जिला साइबर सेल के कांस्टेबल प्रवीण चौधरी व थाना ब्यावर सदर से टीम का गठन किया। इस पर गठित टीम ने मुख्य आरोपी निजामुद्दीन की तेजी से तलाश की तथा मुख्य आरोपी की तलाश हेतु गठित टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर आरोपी के छिपने के सभी ठिकानों दोस्तों रिश्तेदारों के घर पर दबिश दी। टीम द्वारा राज्य व राज्य से बाहर गुजरात मध्य प्रदेश हरियाणा में भी आरोपी की तलाश की, लेकिन आरोपी पुलिस को लगातार छकाता रहा। आरोपी के सहयोगियों से पूछताछ कर तथ्य जुटाने व उनके संबंध में अधिकतम जानकारी प्राप्त की, तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया। अलग अलग स्थानों पर पुलिस टीम ने सादा वस्त्रों में दिन रात निगरानी कर संदिग्ध ठिकानों को चिन्हित कर एक विस्तृत योजना तैयार की। आरोपी के सहयोगियों को लगातार पहचान कर आरोपी के छिपने के सभी ठिकानों को पुलिस ने आरोपी के लिए बंद करवा दिया, जिससे आरोपी को लगातार अलग अलग स्थानों पर बस स्टैंड व रेलवे स्टेशनों पर फरारी का समय बिताना पड़ा। उसके बाद जमा रुपए भी खत्म हो गए। इससे बौखलाए आरोपी निजामुद्दीन ने मृतक के परिजनों को राहगीरों के फोन से कॉल करके धमकाना शुरू किया कि पहले छोटू को जान से मारा है, अब तुम्हारी बारी है। पुलिस आरोपी की किसी गलती के ही इंतजार में थी। वह इस धमकी के बाद पुलिस ने अपनी योजना को साकार रूप देने की तैयारी की। इसी बीच जिला साइबर सेल DST की कांस्टेबल प्रवीण चौधरी व थाना ब्यावर सदर की कांस्टेबल एक स्थान पर नाम पते हुए हुलिया बदल कर रह रहा है और एक दो दिन में वह मुंबई जाने की तैयारी कर रहा है। इस इत्तला पर बिना समय बर्बाद किए तुरंत थानाधिकारी चेनाराम बेड़ा पुलिस निरीक्षक के निर्देशन पर टीम मौरबी गुजरात के लिए रवाना हुई, जिसने कड़ी मेहनत व पूर्व नियोजित योजना पर कार्य करके आरोपी की तलाश कर ली। आरोपी का पुलिस से सामना होते ही उसने भागने का प्रयास किया, परंतु पुलिस टीम इस तरह की परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार थी और टीम ने त्वरित सजगता पूर्वक आरोपी का पीछा किया व पकड़ने में सफलता हासिल की। वह साथ लेकर थाना ब्यावर सदर पहुंचे। आरोपी निजामुद्दीन काठा, जो कि एक नृशंस हत्या का सूत्रधार व मुख्य आरोपी है, को पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद गिरफ्तार कर लिया।